पूरे देश में तिरुपति लड्डू विवाद कितना चल रहा है वो हम सब ने देखा है, पर अब इसको लेकर तेलुगु अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण की नाराजगी सामने आई है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तिरुपति लड्डू विवाद में अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण की नाराजगी सामने आई है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तमिल अभिनेता कार्थी ने अपनी एक आने वाली फिल्म मेया झगन के प्री रिलीज इवेंट के दौरान लड्डू से जुड़े एक मीम पर कोई कमेंट कर दिया। इस इवेंट में कार्थी ने उनकी फिल्म सिरुथाई के एक मीम पर अपना रिएक्शन देने के लिए उनको कहा गया था, जिसमें एक जो है फेमस डायलॉग कन्ना लड्डू थिन्ना असैया तिरुपति लड्डू विवाद से जोड़कर पेश किया गया था। इस पर कार्थी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमें मौजूदा हालत में लड्डू के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, एक बेहद संवेदनशील मामला है। कार्थी की इस टिप्पणी से पवन कल्याण नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया से कहा कि लोग उन लोगों को माफ नहीं करेंगे जो इस मुद्दे का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से अपील की कि वे सनातन धर्म से जुड़े मुद्दे पर मजाक करने से बचें और ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच लें। इस विवाद के बाद अभिनेता कार्थी ने सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान वेंकटेश्वर के एक विनम्र भक्त के रूप में मैं अपनी परंपराओं का हमेशा सम्मान करता हूँ। वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर तुल देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में पहले से ही सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक है और इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और माहौल इससे बिगड़ भी सकता है। तो इस तरह के विवाद अब साउथ इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिका इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।